पीपलिया के निजी गार्डन में खाटू श्याम जी की कथा का वाचन नगर में पहली बार हो रहा है, जिसकी बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों द्वारा कथा पंडाल में पहुंचकर धर्म लाभ लिया जा रहा है। कथा का वाचन कुमारी नम्रता शर्मा और पूजा शर्मा के मुखरविंद से किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री दीपक जोशी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक पटेल, पार्षद बंसी तंवर और पार्षद पिंटू झोमड़िया ने भी कथा पंडाल में पहुंचकर आरती में भाग लेकर धर्म लाभ लिया। पत्रकारों से चर्चा में पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि भारत भूमि नारी के सम्मान के लिए विश्व में जानी जाती है और नारी सम्मान के लिए नारी का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शकीर मंसूरी की रिपोर्ट। भैया, खाटू श्याम जी की कथा हाटपिपलिया नगर में प्रथम बार हो रही है, तो कथा किस प्रकार श्रोताओं को लाभान्वित करती है? ये सनातन संस्कृति में हमेशा कथाओं का बहुत महत्व रहा है और हमारे यहाँ तो एक महीना संपूर्ण कथाओं के लिए समर्पित किया गया है हिंदू धर्म में। ऐसे दृष्टिकोण में हाटपिपलिया गांव में ये जो हमारे यहाँ खाटू श्याम की कथा हो रही है, इसके आयोजक भी बाबा श्याम हैं और कहा जाता है कि संपूर्ण कर्ता धर्ता भी श्याम है। दोनों हमारी दीदियां जो कि लगातार धर्म प्रसार प्रसार के लिए काम कर रही हैं, आज हमारे हाटपिपलिया गांव में आई हैं। हमने देखा कि बड़ी संख्या में नारी शक्तियाँ इस कथा को श्रवण करने के लिए आती है और इस कथा के माध्यम से भारत में आज में शिक्षा की जागृति के साथ साथ नारी कल्याण की बात भी की जाती है, लेकिन नारी कल्याण तभी संभव होगा जब हम शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे। यदि हम अपनी बच्चियों को शिक्षा की ओर अग्रसित करके ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्रदान करेंगे तो देश उस समकाल के लिए जिसके लिए सनातन संस्कृति जानी जाती है, जिसमें कहा गया था कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ ईश्वर निवास करते हैं, वो युग वापस लौटेगा। जैसे अपनी कथा के माध्यम से दीदियों ने बताया कि भगवान से हम कहते हैं कि हमें लाज रखना, लज्जा नारी का गहना है, उस गहने को कैसे हम अपना सनातन संस्कृति के अनुरूप सहज के रखें, ये काम भी हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। धन्यवाद।